मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था और इसी क्रम में उसके पति के द्वारा उसको 3 तलाक दे दिया गया। उसका प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई। और खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, यहां पर एक परिवार पर एसिड हमले से सनसनी फैल गई है। मामला परतापुर इलाके का है, जहां मॉल से वापस लौट रहे कार सवार एक दंपति पर हमलावरों ने एसिड से हमला बोल दिया, जिसमें पति और पत्नी दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक परतापुर क्षेत्र के जुनपुर फाटक के नजदीक बाइक पर सवार बदमाशों ने स्विफ्ट कार में सवार दंपति को जबरन रोक लिया और पति के सामने ही पत्नी को जबरन कार से खींचने की कोशिश करने लगे। जब पति ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने दोनों पर एसिड अटैक कर दिया। तो मेरठ में अपराधियों का यह हाल, एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्देश दे रहा है कि अपराधियों पर लगाम कसी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और दूसरी ओर अपराधियों को कोई डर नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं, कानून का और सरकार की सख्ती का। उसी तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं जैसा पहले हुआ करते था, अब भी ये देखिए लगाम नहीं लग पा रही है अपराधियों पर। लगातार इस तरीके के अपराध करने से गुरेज नहीं कर पा रहे हैं ये अपराधी, और प्रशासन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की जो नाकामी है वो यहाँ पर सामने आ रही है कि वजह क्या है कि क्यों नहीं प्रशासनिक डंडा यहाँ पर चल पा रहा है। मनोवर राणा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोवर, ये पूरा मामला पहले से कोई आपसी रंजिश का जुड़ा हुआ है या अचानक बातचीत हुई और उसमें ये एसिड अटैक हुआ है? देखिए आपको बता दूं, ये मामला रंजिश का ही बताया जा रहा है, क्योंकि जो ये लड़का है इसका नाम रईस है और इसकी दूसरी बीवी है, यानी कि दूसरी शादी की है। आरोप है कि जैसे पहले मायके वाले हैं उन लोगों ने मिलकर इस पर एसिड अटैक किया है। बताया गया ये लोग सॉपरिक मॉल से घूम करके आ रहे थे, इस दौरान जुर्रानपुर फाटक पड़ता है परतापुर इलाके में, वहां पर कार सवार कुछ अज्ञात लोग थे, उन लोगों ने इनको रोका और लड़की को खींचने की कोशिश की, लेकिन जब इसका विरोध रईस ने किया तो उन लोगों ने इनके ऊपर एसिड अटैक कर दिया, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए हैं। दोनों को उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया है और इनका उपचार चल रहा है। हालांकि रईस की तहरीर पर जो इसके पुराने ससुरालिया हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हो सकता है वही लोग इसमें निकले। पुलिस तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के बाद ही खुलासा करने की बात कर रही है अभी। दोष हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मनोवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा मसला है, गंभीर रूप से पति पत्नी जख्मी है, ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।